दिस साइड इट इज़ भूटान एंड दिस साइड इट इज़ इंडिया। लैंडस्लाइड हुआ है बोला? इंडियन आर्मी का एम्बुलेंस पलटी हो गया। गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम बारपेटा असम। सो कल रात को हम लोग ने होटल चेक इन किया था बारपेटा में। नाउ आज एक्चुअली डे 3। अभी तक अराउंड हम लोग कवर कर चुके हैं 1100 या 1000 होगा ना टोटल फ्रॉम मतलब झारखंड। तो अभी हमारे साथ प्रियतोष भाई बैक पैकिंग कर रहे हैं। प्रियतोष बैक पैक हो गया ना भाई? आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। अलार्म दिए थे जितना टाइम पे उससे एक डेढ़ घंटा लेट ही उठे हैं, बट नींद अच्छे से कम्प्लीट हो गया। तो अभी यहाँ से सीधा निकलेंगे हम लोग बालेमो ILP प्रोसेसिंग ऑफिस, जहाँ पर सारा पेपर वर्क वेरिफिकेशन होगा एंड वहाँ से बालेमो से देन दिरांग हम लोग जाएंगे। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। तो ये रहा हम लोग का कल रात का स्टे बारपेटा में, बारपेटा असम में, जो कि स्टे था। अभी सारे राइडर्स रेडी हो चुके हैं चलने के लिए। सौम्यदा देवांजन पीछे एंड देन प्रियतोष भी रेडी है, अभी निकलेंगे सब एक साथ। अभी हम लोग टारगेट अभी बालेमो यहाँ से है अराउंड 134 किलोमीटर्स अराउंड। देन फ्रॉम बालेमो ILP प्रोसेसिंग वगैरह हो जाने के बाद हम लोग फिर चलेंगे आगे बढ़ेंगे टू दिरांग। तो अभी निकल चुके हैं हम लोग होटल से, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं है, इतना अभी तक। मतलब इतना मॉर्निंग में लाइक 8:15 बचा हुआ है, 7:45 हो रहा है। असम में लाइक उतना ठंडा वाला फील नहीं हुआ, मेरे को लगा था असम में भी अच्छा खासा ठंडा होगा। बट अभी मतलब राइडिंग जैकेट पहना है, लाइनर तो बैग में है, बट जैसे ही थोड़ा शाम होगा एंड अरुणाचल तरफ क्लोजर हम लोग एंटर करेंगे आई गेस तब हम लोग को अच्छा खासा ठंडा मिलने वाला है। यहाँ से नालवाड़ी है अभी 26 या 25 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। एक्चुअली कल हमने सोचा था कि नालवाड़ी में ही स्टे करेंगे, बट रात हो गया था तो होटल मिलना वलना थोड़ा मुश्किल था, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ओयो में यही वाला लोकेशन पे बारपेटा में ही देख लिया हमने एंड होटल बुक करके हम लोग रुक गए थे। बट प्लान तो हम लोग का था मंगलदोई तक जाने का, बट क्योंकि डे वन भी इतना खासा स्ट्रेच, अच्छा खासा मतलब स्ट्रेच हो गया था हम लोग का, एंड डे टू में उतना नहीं करना चाहते थे हम लोग। बट नींद कम्प्लीट हुआ, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट डे। क्योंकि नींद कंप्लीट नहीं होगा ना तो बहुत दिक्कत होता है राइड करने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि डे वन में 24 आवर्स कंटिन्यूसली हमने राइड किया था, देन डे टू में आई गेस 12-14 आवर्स ही राइड हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। आई गेस 15 आवर्स हुआ है, 14 नहीं। तो अभी डे 3 आज का नहीं पता, देखते हैं कितना राइड होता है। कुछ हुआ है? ओके, इंडियन आर्मी का एम्बुलेंस पलटी हो गया। तो अभी हम लोग खड़े हैं एक ब्रिज पे, इसका नाम पीछे लिखा हुआ था, हम भूल गए उसको, पढ़े थे हम। सो दिस साइड इट इज़ भूटान एंड दिस साइड इट इज़ इंडिया। एंड ये बहुत ही लाइक सट्टा वाला एरिया, बॉर्डर से सट्टा हुआ वाला एरिया ये, और ये रिवर फ्लो कर रहा है, ये भूटान से ही फ्लो होके आ रहा है ये रिवर। दिस रिवर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम भूटान। ये हमारे बाकी राइडर्स आ गए हैं जो बहुत पीछे थे। A little longer than a few minutes later. अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ILP चेक पोस्ट, यहाँ पर चेकिंग होगा पोस्ट एंड वहाँ पर ILP दिखाना है, देन फिर आगे बढ़ना है। तो दिखा करके आते हैं। तो अभी जो है ILP एंट्री हो चुका है, उन लोगों ने बस एंट्री किया, ILP मांगा एंड ILP दिया, वो नंबर एंड गाड़ी का नंबर एक्सेप्ट लोकल्स, यहाँ पे सबका एंट्री होता है। इधर आप कार से आओ, बस से आओ, किसी से भी आओ, ILP दिखा करके एंट्री होता है। नहीं पता अरुणाचल का रोड कैसा है, नेपाल जैसा है या फिर सिक्किम जैसा ही अच्छा रोड है। लैंडस्लाइड हुआ है बोला? नहीं नहीं, वो पेड़ गिरा है। अच्छा, पेड़ गिरा है। ये रहा, पेड़ हटाया जा रहा है।
सो अभी का स्टेटस ये है कि अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अरुणाचल अनकालिंग करके एक जगह है, वहाँ पर रुके हुए हैं। अभी ये सारे बाइक्स इधर रखे हुए, अभी बज रहा है लाइक 3:20 बज रहा है, बट धूप तो है ही नहीं थोड़ा भी। ये रहा पूरा क्लाउड्स है, काफ़ी अच्छा सीन है। ये रहा हम लोग का बाइक, अभी हम लोग गर्मा गर्म मैगी खाए हैं। तो अभी हम लोग मैगी खा चुके हैं और चाय भी पी ली है, थोड़ा सा एनर्जी आ गया है। अभी वापस से अब हम लोग राइड करेंगे टू दिरांग, विच इज़ अराउंड 130 किलोमीटर्स के अराउंड होगा। अभी सबको ठंडा लग रहा है, अभी सब जैकेट वैकेट पहनेंगे, देन राइड रिज्यूम करते हैं थोड़ी देर में। अरुणाचल एंटर करने के बाद लाइक अराउंड 50-60 किलोमीटर्स तो हम लोगों ने चला ही लिया है। एक डिफरेंस मेरे को लगा, द डिफरेंस ऑफ माउंटेंस बिटवीन द सिक्किम माउंटेंस एंड द अरुणाचल माउंटेंस। अरुणाचल वाला माउंटेंस में थोड़ा जंगल जंगल, घना जंगल वाला ग्रीनरी है पूरा। सिक्किम में भी है बट इससे कम है थोड़ा, अरुणाचल में ज़्यादा है, घना जंगल जंगल टाइप से थोड़ा बीच बीच में। एंड रोड्स इसका काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग है, आई मीन कर्व है, कर्व के बाद थोड़ा लॉन्ग रोड रोड्स है। एंड रोड्स काफ़ी सुंदर है, बहुत अच्छा है रोड्स। टूरिस्ट भी कम ही आते हैं यहाँ पे, आई मीन एज़ कम्पेयर टू सिक्किम। सिक्किम में तो अगर जाएंगे तो लाइन से वो टूरिस्ट वाला टैक्सी दिखेगा, यहाँ पर उतना नहीं दिख रहा है, दिख रहा है बट कम है, बहुत कम है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं वेलकम टू कालाकतांग। वाह क्या ब्यूटी है, सॉलिड लग रहा है उस तरफ का पूरा घना जंगल ग्रीनरी, इस तरफ भी पूरा जंगल है। लाइक इट्स अमेजिंग मैन, सही में इनक्रेडिबल इंडिया है। क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और 102 किलोमीटर है टू दिरांग, बट दिक्कत यह है कि ऐसा ऐसा सीन्स हम लोग को रोक दे रहा है बीच में। ओह ट्रैफिक, नॉट ये सीन नहीं, ये सीन राइट साइड में। ओहो क्या जबरदस्त सीन है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा सीन्स मिलेगा, बहुत सही लग रहा है। लाइक वो बीच बीच में क्लाउड्स भी है एंड पीछे तरफ पहाड़ है। तो अभी बज रहा है 4:45 PM, बट ठंडा इतना है, हाथ में वुलन ग्लव्स पहने हैं फिर भी फ्रीज हो गया लग रहा हाथ, बट कंटिन्यूसली चला रहे हैं। यहाँ से शेरगांव पड़ेगा अभी 15 किलोमीटर्स एंड बोमदिला आई गेस इट इज़ 55 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स, क्योंकि हम लोग एक जगह हॉल्ट लिए थे, शॉर्ट हॉल्ट लिए थे, वहाँ चेक किया था मैंने, इट इज़ 59 किलोमीटर्स आई मीन 60 बोमदिला। तो पहले शेरगांव पड़ेगा देन बोमदिला। तो अभी एक्चुअली आई गेस हम लोग शेरगांव पहुँचने ही वाले हैं, हमारे सारे पार्टनर साथ में ही चल रहे हैं। एंड ठंडा का तो क्या ही कहना, इतना भयानक ठंडा लग रहा है। अभी बस 5 बजे एंड ये हाल है, रात को और भी डिग्री नीचे गिरेगा। अभी का टेम्परेचर है आई गेस इट्स 10-15 डिग्रीज के अंदर में कुछ चाहिए, हालत ख़राब हो गई इतना ही में। Much later. तो अभी बज रहा है 7:30 एंड एक होम स्टे मिला है हम लोग को, हॉलीडे हिल्स होम स्टे। हम लोग का प्लान था दिरांग में स्टे करने का, बट उससे 40 किलोमीटर पहले ये मिल गया एंड अंधेरा भी हो चुका था तो यहाँ पर ले लिया। एंड काफ़ी ठंडा है तो और राइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो बोमदिला टाउन के जस्ट सामने में रूम भी काफ़ी अच्छा है, पर रूम का चार्जेस भी काफ़ी रीज़नेबल है। तो ये है हम लोग का होम स्टे, इधर एक रूम है देवांजना सोमेदा और इधर और एक रूम है, डबल बेड ही है। सो यहाँ पर हम और प्रियतोष रहेंगे। ठंडा इतना है कि और 40 किलोमीटर्स कल के लिए छोड़ दिए हैं, कल इजली कवर करेंगे। क्या था भंजन, ठंडा कैसा लग रहा हाथ तो एकदम फ्री है।
फाइनली रूम पहुंच चुके हैं, सामान वगैरह रख दिए हैं, वहाँ पे सामान वगैरह है। अभी क्या करना है कि अभी जा करके डिनर करना है, क्योंकि बॉमदिला जो टाउन है वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है, लाइक ज़्यादा लेट नाइट तक खुला रहता नहीं है। तो अभी तो रूम पहुंच चुके हैं, रूम काफ़ी सुंदर है, लाइक ये रहा रूम का फुल व्यू। ठंडा यहाँ पर इतना है कि बहुत ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम लोग जाएंगे फ्रॉम बॉमदिला टू तवांग, फिर एजेंट से पास भी बनवाना है परसों, जो कि हम लोग बुमला पास जा रहे हैं। कल का साइट सीइंग का ही मेन सीन है एक्चुअली, वहाँ पर विजिट करेंगे क्या है नहीं है। देन मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।